घटना शुजालपुर में आज से 5 दिन पूर्व पराग प्रिंटिंग प्रेस के संचालक पराग के गायब होने, साथ में उसकी फैक्ट्री में आग लगने सहित कई बिंदुओं की एक जो घटना घटित हुई थी, जिसमें कहीं ना कहीं पुलिस ने काम भी किया था। पुलिस ने जो अहम सुराग लगाए थे साइबर सेल के माध्यम से, पुलिस को सुराग मिले थे कि जो पराग है उसकी लास्ट लोकेशन कहीं ना कहीं मथुरा शहर में देखी जा रही है। फिलहाल अभी तक की जो जानकारी यह सामने आ रही कि पराग अपनी महिला रिश्तेदार जिसका नाम चित्रा बताया जा रहा है, चित्रा के साथ मथुरा में पाया गया है। फिलहाल पुलिस ने जो कार जो गायब हुई थी पराग की, उस कार को साथ में महिला जो रिश्तेदार है उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है, साथ में पुलिस उसको लेकर मथुरा से शुजालपुर की ओर रवाना भी हो गई है। हालांकि फिलहाल यहां पर जब पराग पहुंचेगा तभी वो बताएगा कि इस कहानी के मेन सूत्रधार क्या हैं। अभी तक की जो ताज़ा अपडेट यही है कि इस पूरी कहानी में कोई घटना घटित नहीं हुई थी, ये षड्यंत्र सिर्फ पराग के द्वारा ही रचा गया था, जिसमें कहीं ना कहीं प्रेम से जुड़ी भी बातें सामने आ रही है। हालांकि शुजालपुर नगर के लिए ये कहानी का स्पष्ट होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि शहर डरा हुआ था। निश्चित पराग ने अपने निजी स्वार्थों के चलते इस बड़ी कहानी को रचने की कोशिश की। निश्चित पुलिस के लिए ये प्रशंसा का की भी पात्र है, क्योंकि पुलिस का 4 दिन में इस कहानी को ट्रेस करना निश्चित एक चुनौती था जो लगभग पूर्ण होने की कगार पर है। खबर मध्य प्रदेश, दीपक सक्सेना, शुजालपुर।